वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस 44th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हमें इस लेक्चर में स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे वाइब्रेशन के बारे में, जैसे कि टाइम ऑफ पीरियड, फ्रिक्वेंसी, उस पर न्यूमेरिकल्स देखे थे कुछ, रिजोनेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में जो सबसे पहला वाइब्रेशन आता है वो होता है फ्री वाइब्रेशन। क्या होता है फ्री वाइब्रेशन, आइए पढ़ते हैं। द वाइब्रेशन इन विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज कंसीडर्ड इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन। देखिए फ्री वाइब्रेशन में कह रहा है कि जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर ना करें। एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब, कि हमारे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नली लोड नहीं लगा है। वो एक्सटर्नल लोड क्या हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो हमें उसको भी कंसीडर नहीं करना है। फ्री वाइब्रेशन मतलब कि वो फ्रीली मूव कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। तो क्या है, द वाइब्रेशन इन विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स is considered is known as free vibration। ठीक है, in case of free vibration the frequency of vibration is known as natural frequency which is the property of the vibrating system। अब देखिए यहां पे दो बातें आएंगी कि हमें vibration कराने के लिए एक force लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे कोई body अगर अपनी static position में, for example इसके पिछले वाली slide में ये figure जो है इसको अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक स्प्रिंग हो गई। अभी ये इसकी, ये अपनी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, दिस स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एल नॉट। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, अब हमने क्या किया इस पे जब एक मास m लटका दिया, इसके एक एक एंड को फिक्स कर दिया, फिक्स एंड से बांध दिया, और दूसरे वाले एंड पर ये जो इसका दूसरा एंड दिखाई दे रहा है, इस एंड पर हमने एक मास m लगा दिया। तो मास m लगाने पर ये मास m के अंडर कितना डिफ्लेक्ट कर गया, डेल्टा। जैसे ही हमने मास m इस पर लटकाया तो ये डेल्टा से डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब इसके बाद वापस से देखिए हमने क्या किया, इसको x डिस्प्लेस करके हटा दिया। मतलब हम क्या किए, मास m लटकाने के बाद ये वाली पोजीशन मिल जाएगी, उसके बाद हमने इस मास m को पकड़ा और नीचे डिफ्लेक्ट कर दिया, अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल लोड लगाया, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाया, और x डिस्प्लेस करने के बाद वो जो लोड लगाया था हमने उसको हटा लिया। बात को समझिएगा, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जिसमें कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है, आप कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं। एक तो चीज है कि जब फ्री वाइब्रेशन की बात की जाएगी तो फ्री वाइब्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स के जो भी वाइब्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। एक तो सर आपने कहा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, और एक बार आप कर रहे हो कि इस मास m को नीचे x डिस्प्लेस किया, तो x डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको समझिए, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको x तो डिस्प्लेस किया, लेकिन जब ये अपना वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको x डिस्प्लेस कराकर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको x डिस्प्लेस कराकर छोड़ दिया, अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इस पर मास m पर, वो अब हमने सिस्टम से हटा लिया। तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद अब जो वाइब्रेशन होगा वो होगा फ्री वाइब्रेशन। भाई इसको इनिशियल वाइब्रेशन देने के लिए, इनिशियली मूव कराने के लिए
आपको कोई ना कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, डिस्प्लेस तो करना ही पड़ेगा, तो अपने आप तो डिस्प्लेस करेगा नहीं, उसके लिए तो हमें बाहर से फोर्स लगाना ही पड़ेगा। लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद जो वाइब्रेशन होगा, मतलब जब अब ये वाइब्रेशन कर रहा है इस मेन पोजीशन के ऊपर, देखिए इस मेन पोजीशन के ऊपर ये मास कभी यहां पर जाएगा, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, फिर कभी यहां नीचे आएगा, इसी दोनों पोजीशन के बीच जाता रहेगा। तो अब ये जो वाइब्रेशन कर रहा है, इसके वाइब्रेशन करते वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ये बात है। प्री वाइब्रेशन का मतलब है कि जिस वक्त ये वाइब्रेशन कर रहा है उस वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो देखिए, इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और कह रहा है कि ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, मतलब जब फ्री वाइब्रेशन हो रहा है, फ्री वाइब्रेशन का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो उस वक्त फ्री वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोले तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस वक्त वाइब्रेशन करते वक्त इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। क्लियर बात? आइए अब डैम्ड वाइब्रेशन, अभी तो हमने फ्री वाइब्रेशन देखा, अब देखिए डैम्ड वाइब्रेशन। डैम्ड वाइब्रेशन क्या होता है? When the energy of the vibrating system is gradually dissipated, the vibration is known as damped vibration. कह रहा है कि जब वाइब्रेशन करते वक्त उसकी जो एनर्जी है धीरे धीरे डिसिपिएट हो रही हो, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही हो, और एक पोजिशन ऐसी आ जाएगी कि वो वाइब्रेट करते 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 बाद में लास्ट में जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। कैसे, इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, अच्छा इसको मैं थोड़ा कोरिलेट कराता हूं फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन को। फ्री वाइब्रेशन में जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं माना, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर नहीं किया है, तो ये फॉर द इनफाइनाइट टाइम वाइब्रेट करता ही रहेगा, इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली, इसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया, मतलब हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होगा कि वहां पर हम सिस्टम में एक डैम्पर लगा देते हैं, या हम एक एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के लिए इसको अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन खर्च करना पड़ेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा सिस्टम पे या डैम्पर लगा होगा, तो उसके अगेंस्ट वाइब्रेशन करने के लिए इसको अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट हमेशा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे 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 कम होती रहेगी, या हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिसिपिएट होती रहेगी। और लास्ट में मान लीजिए स्टार्टिंग में ये सिस्टम है हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, मान लीजिए ये इसकी इक्विलिब्रियम मेन पोजीशन है जिसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, एक बार मास यहां पर जा रहा है और एक बार मास यहां पर जा रहा है। मान लीजिए जब इस मास ने स्टार्ट किया वाइब्रेशन करना, स्टार्टिंग में इसकी जो एनर्जी थी वो थी 100 जूल, अब धीरे धीरे एनर्जी का डिसिपिएशन चालू हो गया, तो जब एनर्जी ज्यादा थी तो इसका वाइब्रेशन, इसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा था, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो पहले ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अब धीरे धीरे जब इसकी एनर्जी कम होना चालू होगी तो अब इसका जो वाइब्रेशन होगा वो यहां तक आ जाएगा, मतलब अब ये यहां यहां तक जाएगा, अब ये इतना मूव करेगा, और धीरे धीरे एनर्जी कम होगी तो अब इसका जो वाइब्रेशन है वो इतना कम हो जाएगा यहां तक, अब ये यहां यहां तक जाएगा ऐसे, और लास्ट में आते आते इसका जो फाइनली वाइब्रेशन है वो जीरो, मतलब अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि जब पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी उस वक्त। क्लियर है? तो डैम्ड वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन में अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया क्या है?
तो व्हेन द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम ग्रेजुअली धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, डिसिपिएटेड मतलब धीरे धीरे डिसिपिएट हो रहा है, निकल रहा है सिस्टम से, निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डैम्ड वाइब्रेशन। ये इक्वेशन होती है, हम इक्वेशन इसकी बाद में देखेंगे कैसे आएगी। यहां पे इस वाले स्लाइड में देखिए, अब क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने एक ये डैम्ड वाइब्रेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, कैसे आई इक्वेशन इसको देखिए। यहां पर हमने एक डैशपॉट लगा दिया, डैशपॉट का मतलब होता है डैम्पर। अब ये डैम्पर दो तरीके का होता है, एक फ्रिक्शन और एक होता है विस्कस। विस्कस का मतलब इसमें, इस डैम्पर में अंदर हम कोई विस्कस फ्लूइड भर देते हैं, तो विस्कस फ्लूइड क्या करेगा, इनिशियली जब इसको हम डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, इनिशियली जब हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करना चालू करेगी। जब आप स्प्रिंग को इनिशियली डिस्प्लेस करोगे, जब भी डिस्प्लेस करते हैं तो आपने ये छोटी क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एक्स डिस्प्लेसमेंट करने पर स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग में तो मास भी तो उससे जुड़ा हुआ है, तो मास भी वाइब्रेट करेगा, और जब मास वाइब्रेट करेगा तो यहां पे हमने एक डैम्पर लगा दिया या डैशपॉट लगा दिया जिसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। विस्कस फ्लूइड बोलने का ही मतलब है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है फ्रिक्शनल फ्लूइड, और फ्रिक्शन जहां पर भी फ्रिक्शन की बात आ जाती है तो फ्रिक्शन का मतलब होता है एनर्जी को खाने वाला, फ्रिक्शन का मतलब होता है एनर्जी को खाने वाला। ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेगा, किसकी एनर्जी को, इस मास की एनर्जी को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेगा। और जब इसकी एनर्जी को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे इसका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी कम होता जाएगा। डैम्ड वाइब्रेशन में मैं बात कर रहा हूं, डैम्ड वाइब्रेशन में हम क्या लगाते हैं, डैम्पर। तो डैम्पर लगाने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जबकि फ्री वाइब्रेशन में वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर ही नहीं किया। अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, सारे की सारी बात इसको समझिएगा। जब मैं आपको फिफ्थ चैप्टर जो था हमारा बैलेंसिंग, उसमें मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। उस डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो ऑन एनी बॉडी, द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां पर जब इस मास m को हमने क्या किया है, x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया, ये डेल्टा आपको समझ में आ रहा है, डेल्टा क्या है, इनिशियली जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है ये हो गई इसकी नेचुरल लेंथ, ये l नॉट हो गई स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब इस पर जब हमने मास m लगा दिया तो मास m लग जाने की वजह से इस स्प्रिंग में डेल्टा का डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब हमें मास m की नई पोजीशन ये वाली मिल गई, b वाली पोजीशन हमें कब मिलेगी, जब हम इस स्प्रिंग पर मास m लटका देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इसको b वाली पोजीशन से डिस्प्लेस किया कहां तक, सी वाली पोजीशन तक, और कितना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स अमाउंट से, इसको हमने एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करके यहां पर छोड़ दिया। देखिए इसको एक्स अमाउंट से यहां पर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो अब इसका अगर हम एफबीडी बनाएं, देखिए इसका अगर हम एफबीडी बनाएं, हमें लगाना है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, D
डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इसको देखिए डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, क्लियर। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है हमसे कि द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यही होता है कि उस पर जो इनर्शिया फोर्स लगा है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो उसको वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाने के लिए काम करते हैं। मतलब आपने क्या किया है, स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है, आपने स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो वो फोर्स जो उसको वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेंगे वो फोर्सेस क्या कहलाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए, तो ये जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है एम इंटू ए, ठीक है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स देखिएगा, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है एम इंटू ए, ये हमने पढ़ा हुआ है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एक्स के ऊपर दो डॉट लगाकर। कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स डॉट को क्या लिखते हैं हम, एक्स डॉट को लिखते हैं हम वेलोसिटी से, और एक्स डबल डॉट को हम किससे लिखते हैं, एक्स डबल डॉट को हम लिखते हैं एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन को हम एक्स डबल डॉट से लिख सकते हैं, यहां पर इतनी बात है। तो देखिए एक्सेलरेशन फोर्स कितना हो गया इस पे, जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हो गई एम एक्स डबल डॉट, और एक्स डबल डॉट का मतलब क्या हुआ, ये ए है, असल में ये एक्सेलरेशन ए है। अब देखिए अगर हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेस नीचे किया है तो के इंटू एक्स इस पर किधर लगेगा, के इंटू एक्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग को हम जिधर भी डिस्प्लेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में के इंटू एक्स फोर्स लगता है। और यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम स्मॉल एस से दिखा रहे हैं, यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वह स्प्रिंग कांस्टेंट को हम स्मॉल एस से दिखा रहे हैं, स्मॉल एस से ये हो गया एस इंटू एक्स। अब देखिए यहां पे अगर डैम्पर लगा है, मतलब देखिए ये स्मॉल एस इंटू एक्स क्या है, ये स्मॉल एस इंटू एक्स है मेरा फोर्स, क्योंकि एफ बराबर के एक्स होता है ना, एफ बराबर के एक्स। तो हमने क्या किया, स्प्रिंग कांस्टेंट की हेल्प से उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करा के उसको फोर्स में बदल दिया। वैसे ही सी, अब डैम्पर में, डैम्पर को फोर्स में कब बदलेंगे, डैम्पिंग कोफिशियंट को फोर्स में कब बदल सकते हैं, उसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करा के। पिछले लेक्चर में हम, आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट द फोर्स इज इक्वल टू c इंटू वेलोसिटी, ये पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में कि फोर्स इज इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशियंट इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डैम्पिंग कोफिशियंट इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं x के ऊपर डॉट लगा के। तो देखिए डैम्पिंग कोफिशियंट को हमने फोर्स में कैसे बदला, x डॉट से मल्टीप्लाई करा के। तो हमारे पास सारे फोर्सेज आ गए, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने फोर्स में बदल दिया, डैम्पिंग कोफिशियंट को फोर्स में बदल दिया, और एक इनर्शिया फोर्स है। अब डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाते हैं, तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता है द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स कितना है, एम एक्स डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग फोर्स। अब आप देखो यहां पर कितने रीस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं, यहां पर दो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो डिस्प्लेस मास को
वापस उसकी पुरानी वाली पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है। तो देखिए मास पहले यहां पे था, हमने नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, एक तो s into x और दूसरा cx डॉट, दोनों इसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, रीस्टोरिंग फोर्स। कितने रीस्टोरिंग फोर्स हो गए, दो। कौन कौन से, देखिए एक तो हो गया cx डॉट प्लस स्मॉल s into x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारा डैम्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस स्मॉल s इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो देखिए यही जो इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, ये कहां से आई, यही इक्वेशन को यहां पे इसके पिछले वाली स्लाइड में लिखा गया है। तो समझ में आई ये बात कहां से आई। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट को आप जो भी मानो, जैसे यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट को स्मॉल s लिया गया है, यहां पर क्या लिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट को k बोला हुआ है। तो अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट को k मानते हो तो k इंटू एक्स हो जाएगा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को स्मॉल s मानते हो तो स्मॉल s इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये बात समझ में आई कि ये इक्वेशन आई कैसे, ये इक्वेशन आई बाय यूजिंग डी एलम्बर्स प्रिंसिपल। क्लियर है बात। अगला आता है हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, व्हेन अ रिपीटेड फोर्स, व्हेन अ रिपीटेड फोर्स कॉन्टिन्यूअसली एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द वाइब्रेशन इज नोन एज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी विल बी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे पहले हमने फ्री वाइब्रेशन देखा। फ्री वाइब्रेशन में क्या था कि जहां पर हम उसको डिस्प्लेस कराने के बाद हमने जो लोड लगाया था, डिस्प्लेस कराने के बाद हमने अपना लोड हटा लिया, अब वो फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जिस वक्त वाइब्रेशन हो रहा है उस वक्त उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, उसको हमने फ्री वाइब्रेशन नाम दिया था। जिस वक्त वो वाइब्रेशन कर रहा है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, और फ्री वाइब्रेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी, फ्री वाइब्रेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी उसको हमने नाम दिया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक। और उसका जो एम्पलीट्यूड था हमेशा एक जैसा था, क्योंकि जब हमने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को निग्लेक्ट मान लिया, यहां तक कि एयर रेजिस्टेंस को भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कभी डिसिपिएट होने वाली ही नहीं है, और अगर कभी भी उसकी एनर्जी डिसिपिएट नहीं होगी तो हमेशा वो एक ही एनर्जी से या एक एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रहेगा। अगला पढ़ा हमने डैम्ड वाइब्रेशन। तो डैम्ड वाइब्रेशन में हमने क्या किया, डैम्ड वाइब्रेशन बिल्कुल फ्री वाइब्रेशन जैसा होता है, बट एक चेंज होता है कि यहां पर हम डैम्पर लगा देते हैं, और डैम्पर के अंदर भरा होता है विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड क्या करेगा, धीरे धीरे उस स्प्रिंग की एनर्जी को खाता जाएगा, और अगर स्प्रिंग की एनर्जी को खाता जाएगा तो धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, और लास्ट में जाके उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, मतलब वो स्टेशनरी पोजिशन में आ जाएगा। तो डैम्ड वाइब्रेशन में क्या पढ़ा हमने, डैम्ड वाइब्रेशन में जहां पर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी एनर्जी डिसिपिएट होती रहे, ठीक। और यहां पर भी हमने क्या किया था कि फोर्स लगाने के बाद हटा लिया था, मतलब हमने उसको डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद हमने फोर्स हटा लिया था, किसमें, डैम्ड वाइब्रेशन में भी। तो फ्री वाइब्रेशन में भी डिस्प्लेस कराकर फोर्स हटा लिया, डैम्ड वाइब्रेशन में भी डिस्प्लेस कराकर फोर्स हटा लिया, बट फोर्स्ड वाइब्रेशन में यहां पर हम लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं, मतलब हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन किसी फोर्स के अंडर हो रहा है, मतलब उस पर लगातार कोई रिपीटेड फोर्स लगा हुआ है जिसके अंडर वो वाइब्रेट कर रहा है। बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया, पढ़िए इसको, व्हेन अ रिपीटेड फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक्ट्स पढ़िए इसको देखिए
कह रहा है व्हेन अ रिपीटेड फोर्स कॉन्टिन्यूअसली एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार उस पर लगा हुआ है, उस मास एम पर लगातार हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, उसको हटा नहीं रहे हैं। ऑन अ सिस्टम द वाइब्रेशन इज नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया क्या तीनों में? आपको फ्री में, डैम्प्ड में और फोर्स्ड में डिफरेंस क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी विल बी एक्सटर्नल एक्साइट। जाहिर सी बात है ये बोलना चाह रहा है कि देखिए इस सिस्टम को पहले मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए यहां पर इसको आप देखिए, तो मैं फिर पिछली वाली स्लाइड पे चलता हूं वो लास्ट लाइन समझाने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये जो मास है, ठीक है, इस मास को जब हमने स्प्रिंग की फ्री लेंथ पर लगाया, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे लगाया, तो जो स्प्रिंग थी वो डेल्टा से डिस्प्लेस कर गई, जो स्प्रिंग थी वो डेल्टा से डिस्प्लेस कर गई, ठीक। चलिए अब डेल्टा से डिस्प्लेस होने के बाद, डेल्टा अमाउंट से डिस्प्लेस होने के बाद इस पे हमने क्या किया, मास एम लगा दिया, इस पर हमने मास एम लगा दिया। तो मास एम लगाने पर क्या हुआ कि ये एक्स, मास एम लगाने पर ये डेल्टा डिस्प्लेस कर गया। पहले स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये है एल नॉट, मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये है। तो इस पे जब हमने मास एम लगाया तो ये डेल्टा से डिस्प्लेस कर गया। अब उसके बाद हमने इसको एक्स एक्स डिस्प्लेस किया और यहां के बाद फिर लगातार हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक्स डिस्प्लेस करने के बाद इस पर लगातार हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको वाइब्रेट करते जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप इस पर इस तरीके से यहां से डिस्प्लेस किया और यहां से अब उसके बाद लगातार फोर्स लगा रहे हैं, इसको वाइब्रेट करा रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब हम अपनी तरफ से कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स लगा रहे हैं इसको वाइब्रेट कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो हम जो फोर्स लगा रहे हैं लगातार उसी से तो वाइब्रेट करेगा। इस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा रखा है, इसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं, तो जिस फ्रिक्वेंसी से हम वाइब्रेट करा रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कराने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स की एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी है, वही इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। उसी लाइन को इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द फ्रिक्वेंसी विल बी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी, मतलब जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी ही इस फोर्स वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होगी। इतनी बात समझ में आई? इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब देखिए ये इक्वेशन तो अभी अभी हमने पढ़ी थी, कौन सी, अगर यहां पर मैं लिख देता एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाती, बताइए कौन सी इक्वेशन बन जाती? अगर मैं इस तरीके से लिख देता तो ये किसकी इक्वेशन बन जाती, ये बन जाती डैम्ड वाइब्रेशन, इसके पहले जो हमने पढ़ा फोर्स के पहले, ये बन जाता डैम्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अगर ये जीरो के बराबर होता तो ये बन जाता डैम्ड वाइब्रेशन। तो ये बन जाता डैम्ड वाइब्रेशन, क्लियर। लेकिन अब डैम्ड वाइब्रेशन में क्या था, फोर्स हटा लिया था हमने, डिस्प्लेस कराकर फोर्स हटा लिया था, लेकिन क्या यहां पर हम फोर्स हटा रहे हैं? नहीं, ड्यूरिंग वाइब्रेशन जब वो वाइब्रेट कर रहा है उस दौरान भी, उस वक्त भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, और कितना लगा हुआ है, वो लगा हुआ है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा एफ नॉट साइन ओमेगा टी क्यों, क्योंकि यहां पर हम इसको साइक्लिक मोशन करा रहे हैं ना, वाइब्रेशन करा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी इक्वेशन वाइब्रेशन की होगी उसमें साइन या कॉस जरूर आएगा, तो इसको अगर आप ऊपर नीचे वाइब्रेट करा रहे हो
अगर इसको आप ऊपर नीचे वाइब्रेट करा रहे हो तो आपको एक साइक्लिक वाइब्रेशन ही तो कराना पड़ेगा, और साइक्लिक फोर्स लगाने के लिए जो साइक्लिक फोर्स की इक्वेशन होगी उसमें साइन या कॉस का आना जरूरी है। इसलिए देखिए यहां पर अब इसी डैम्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन में एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स, ये तो डैम्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन हो जाती, बट अब यहां पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब एक्सटर्नल फोर्स इस बार जीरो नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स हमने कुछ ना कुछ लगा रखा है, मतलब जिस वक्त ये वाइब्रेशन कर रहा है उस दौरान भी, उस वक्त भी इस पर कितना फोर्स लगा है, एफ नॉट साइन। तो क्या आप पहले बताओ तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। फ्री, पहला हमने पढ़ा फ्री वाइब्रेशन, दूसरा पढ़ा डैम्ड वाइब्रेशन, और तीसरा पढ़ा हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन। बात क्लियर हो गई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फोर्स्ड वाइब्रेशन, अब जो फोर्स्ड वाइब्रेशन होते हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे? पहला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लीनियर। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू एक्सिस डायरेक्शन। और टोर्जनल मतलब घुमाना, टोर्जनल मतलब क्या, पोलर एक्सिस के अलोंग। टोर्जन आपने पढ़ा होगा ना, तो टोर्जन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है तो इसको हम घुमाते हैं ना इस तरीके से, ऐसे घुमाते हैं, तो ये टोर्जन में इसका घुमाना हो गया इस तरीके से, जो हम घुमाएंगे टोर्जन हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मान लीजिए कोई रॉड है, समझिए बात को, मान लीजिए कोई रॉड है इस तरीके से, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी इसको ऐसा समझिए, अगर ये मैंने कोई रॉड बनाई तो ये जो एक्सिस पास कर रही है ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल, उसके सेंटर पॉइंट से पास करेगी, और पैरेलल टू इट्स लेंथ, पैरेलल टू इट्स लेंथ ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी, ठीक है, एक ये एक जो अंदर की तरफ जा रही है इसको हम वाई वाई एक्सिस बोल, तो ये वाई वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई वाई एक्सिस हो जाएगी हमारी, या एक्स एक्स एक्सिस बोल दीजिए जो अंदर की तरफ है, और ये जेड एक्सिस बोल दिया मैंने, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों हो जाएंगी ट्रांसवर्स, और इसको जब मैं घुमाऊंगा अंदर इस तरीके से ऐसे घुमाऊंगा तो वो हो जाएगा टोर्जन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, तो देखिए पहला लीनियर है, मतलब देखिए ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ये डिस्क है, इस डिस्क को जब मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो देखिए डिस्क मैक्सिमम यहां तक जा सकता है ऊपर, और मैक्सिमम नीचे यहां तक जा सकता है, ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। अब देखिए फोर्स में ही दूसरा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे, अब ये जो शाफ्ट है इसको मैंने इस तरीके से वाइब्रेट करा, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, डिस्प्लेस कराया, अब इसको लगातार फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। हम किसके अंदर पड़ रहे हैं तीनों, ये तीनों हम किसके अंदर पड़ रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, मतलब जब ये वाइब्रेशन कर रहा है उस वक्त भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, मतलब ये इस तरीके से एक फोर्स लगा है और उसको इस तरीके से वाइब्रेट करा रहे हैं। इसमें वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ऊपर नीचे,
एंड द थर्ड इज टोर्जन, मतलब इसको हम घुमा रहे हैं इस तरीके से, रॉड को पकड़ के ऐसे घुमा दे रहे हैं ऐसे, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं? मतलब यहां पे मान लीजिए कोई कैप मैं लगा दूं और इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है तो वो टोर्जन हो गया। अब आता है हमारा फ्री अनडैम्ड वाइब्रेशन। अब हमारा वाइब्रेशन आता है फ्री अनडैम्ड वाइब्रेशन। फ्री का मतलब, फ्री वाइब्रेशन मतलब जब ये वाइब्रेशन कर रहा होगा उस वक्त इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होगा। अनडैम्ड वाइब्रेशन मतलब हमने डैम्पर भी नहीं लगाया। डैम्ड वाइब्रेशन में हमने डैम्पर लगा रखा था, फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी डैम्पर लगा रखा था। उन दोनों में डिफरेंस ये था कि डैम्ड वाइब्रेशन में हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे, जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा था। तो फ्री वाइब्रेशन का मतलब नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग वाइब्रेशन। और अनडैम्ड का मतलब है नो डैम्ड, नो डैम्पर इज इंस्टॉल्ड, मतलब जो डैम्पर एम्पर था सबको उखाड़ के फेंक दिया, सिर्फ स्प्रिंग है और मास है। फ्री अनडैम्ड का मतलब हुआ, इस फ्री अनडैम्ड का मतलब हुआ, इस फ्री अनडैम्ड का मतलब हुआ क्या? ओनली स्प्रिंग मास सिस्टम। इस फ्री अनडैम्ड का मतलब हुआ ओनली स्प्रिंग मास सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में सिर्फ स्प्रिंग है और मास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर बात? तो देखिए अगेन वही चीज, ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है, जब इस पर हमने मास m लगाया तो मास m लटकाने से ये डेल्टा डिफ्लेक्ट कर गया, मास m की वजह से ये डेल्टा डिफ्लेक्ट कर गया। उसके बाद इस पोजीशन से हमने क्या किया, इसको x डिस्प्लेस किया और x डिस्प्लेस करने के बाद यहां पे छोड़ दिया, c वाली पोजीशन पे लोड को रिलीज कर लिया, मतलब हमने जो फोर्स लगाया था उसको रिलीज कर लिया। ठीक है, यहां पर हमने लोड को रिलीज कर लिया, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। अच्छा, यहां से हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि इस वाली पोजीशन में जब मास m हमने लगाया तो मास m लटकाने पर ये डेल्टा डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब इस वाली पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। बिल्कुल, इस वाली पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, क्योंकि इस पर जैसे मास m लटकाया तो ये और डिफ्लेक्ट कर गया और उस वाली पोजीशन में आके स्टैटिक पोजीशन में शिफ्ट हो गया। अगर मास m लटकाने पर ये डेल्टा डिफ्लेक्ट हुआ और इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितना इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है उतना इस पर नीचे फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग नीचे एक्सटेंड हुई है तो स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ऊपर की तरफ लगेगा के इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा। ऊपर की तरफ हो जाएगा के इंटू डेल्टा और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगेगा? एम इंटू जी। और इस वक्त ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में है तो क्या दोनों फोर्स बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। और अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो K इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू। तो यही इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, देखिए K इंटू डेल्टा इज इक्वल टू M इंटू। अब देखिए रेले मेथड लगाते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती कितनी है, अब हमें यह कैलकुलेट करना है। तो देखिए टोटल एनर्जी अगर हम अपने सिस्टम की निकालें तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, और जो भी टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। भाई हमने फ्री अनडैम्ड माना हुआ है ना, अपने सिस्टम को क्या माना है? फ्री माना है और अनडैम्ड माना है। फ्री माना है मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अनडैम्ड माना है मतलब कोई भी एनर्जी का डिसिपिएशन नहीं है, और अगर कोई एनर्जी का डिसिपिएशन नहीं है तो जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, यही तो मतलब हुआ। इसलिए जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। बिकॉज अनडैम्ड बोलने का मतलब देयर इज नो
लॉसेस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब हमने डैम्ड वाइब्रेशन पढ़ा अभी, तो डैम्ड वाइब्रेशन में यही तो पढ़ा कि वहां पर देयर इज अ डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी धीरे धीरे खर्च हो रही है। लेकिन अनडैम्ड वाइब्रेशन में, फ्री अनडैम्ड वाइब्रेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, मतलब उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट बनी रहेगी। तो देखिये, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इफ देयर इज नो लॉसेस, मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी होगी ऑफ द सिस्टम वो क्या बनी रहेगी, कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो गई। अब देखिए, तो ये डी बाई डी टी ऑफ टोटल एनर्जी, जो ये टी ई है, टी का मतलब है टोटल एनर्जी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो क्यों हो गया? अरे भाई, सिंपल सी बात है, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, जीरो आता है। किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो गई, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां पे यही चीज लिखा है, तो हमें यही चीज करनी है। पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वहीं से हम निकालेंगे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखिए, सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास होगा। क्यों, ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये दोनों एनर्जी क्यों होंगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस के डेल्टा इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मैंने क्यों इस तरीके से बोला हुआ है, किसके पास ये दो तरीके की एनर्जी होगी, कोई बता सकता है? देखिए, हमने पढ़ा कि इसके पास कितनी तरीके की एनर्जी होगी। एक तो हमने उसको मूव कराया नीचे, एक तो हमने उसको नीचे मूव कराया, ठीक है। तो मूव कराने की वजह से उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा, जब भी हम स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये दो तरीके की एनर्जी उसके पास आ जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी, इसको आप कुछ मत देखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इस पूरे को हटा दीजिए, इस पूरे को आप मत समझो, ठीक है, आप सिर्फ यहां पे आ जाओ। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी दो तरीके की, एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, प्लस जब मास को हम डिस्प्लेस करा रहे हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्स डॉट। भाई, मास जो डिस्प्लेस करा रहे हो आप, यहां पे देखो, इस मास को नीचे ले जा रहा है ना, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से ही तो जा रहा होगा, उसको हमने कितना बोल दिया, वी बोला। तो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होती है काइनेटिक एनर्जी मास की। ये तो हमने स्प्रिंग की काइनेटिक स्प्रिंग की एनर्जी लिखी, ये तो हमने स्प्रिंग की एनर्जी लिखी, मास के पास भी तो कुछ एनर्जी होगी, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। हमने स्प्रिंग का लिख लिया, अब मास की एनर्जी देखिए, मास की कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी। वेलोसिटी क्या होता है, अगर एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट से दिखाते हैं तो एक्स के ऊपर एक डॉट लगाने पर यह वेलोसिटी बन जाता है, और एक्स के ऊपर डबल डॉट लगाने पर ये एसेलरेशन बन जाता है, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा एक्स डॉट, और वेलोसिटी स्क्वायर है, मतलब एक्स डॉट का स्क्वायर। तो देखिए, यहां पर जो मास की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम, और वेलोसिटी का मतलब हुआ एक्स डॉट का स्क्वायर। तो देखिए, ये आ गई, यही हो गई हमारी टोटल एनर्जी, ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए, इस टोटल एनर्जी का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी, डी बाई डी टी, सॉरी, यहां पर ये डी बाई डी टी होगा, ये यहां पर होगा डी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, यहां पर डी टी होगा, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे क्या उसकी एनर्जी बदल रही है, नहीं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम बदलने के साथ साथ टोटल एनर्जी क्या है, उसकी कांस्टेंट बनी हुई है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए, तो हमारे पास क्या है, जो टोटल एनर्जी है, जरा टोटल एनर्जी को मैं वापस से लिख लूं यहां पर,
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी, वी को हम एक्स डॉट स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये स्प्रिंग की हो गई। अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखिए एम बाई टू तो ऐसे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, मेरे ख्याल से आप पढ़ोगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू आगे आ जाएगा, एक्स डॉट की पावर टू माइनस वन, और एक्स डॉट का वापस से करेंगे तो एक्स डॉट का वापस से करेंगे एक और डॉट इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब डी एक्स बाई डी टी, प्लस ये हो जाएगा के बाई टू इंटू के बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू इंटू एक्स हो जाएगा, और एक्स का वापस से करना पड़ेगा तो एक्स का वापस से करेंगे तो एक्स के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। देखिए मैंने डॉट का मतलब बताया है कि जब भी किसी के ऊपर डॉट लगा होता है मतलब उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लियर। तो यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये d बाई डी टी ऑफ हमने क्या निकाला, ये d बाई डी टी ऑफ हमने टोटल एनर्जी निकाला, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा m x डॉट x डबल डॉट प्लस, उसके बाद यहां पर k x इंटू एक्स डबल डॉट, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने निकाला d बाई डी टी ऑफ टोटल एनर्जी। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म तो जीरो आना चाहिए जबकि जब टोटल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन किया वो तो कांस्टेंट होता है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये जीरो के बराबर आना चाहिए, तो जीरो के बराबर इसको हमने पुट कर दिया, और जीरो के बराबर पुट कर दिया तो देखिए इनमें क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, सॉरी यहां पे सिंगल डॉट है, एक चीज गलती हो गई मेरे से, यहां पे सिंगल डॉट लगा है, सिंगल डॉट है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है एक्स डॉट, तो एक्स डॉट को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स डॉट को हमने एक्स डबल डॉट को हमने कॉमन ले लिया, एक्स डॉट को, एक्स डॉट को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स डॉट यहां पर भी है और एक्स डॉट यहां पर भी है, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, और अगर ये जीरो होगा तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है, और ये इक्वेशन निकल के आ गई तो देखिए एम को मैंने क्या किया, इस पूरे में हमने एम से डिवाइड मार दिया, यहां पर भी एम से डिवाइड मारी है, यहां पर भी एम से डिवाइड मारी है, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ एक्स डबल डॉट और यहां पर के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस के बाई एम को हमने बोल दिया ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, तो आपको ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से, क्यों इसको बोला, देखिए आपको अगर याद हो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी x डबल डॉट प्लस x के साथ कुछ भी लिखा होगा तो यहां पे ओमेगा n का स्क्वायर आता है, ये हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको हिंट दिया था बताने के लिए, इसके पहले का जो लेक्चर था 43rd लेक्चर आई थिंक, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो या इस तरीके की फॉर्म में लिखी हो, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर एक्स का डबल डॉट है और यहां पर एक्स है, और यहां या ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर थीटा का डबल डॉट हो और यहां पर थीटा हो, तो एक्स के बगल में जो चीज लिखी रहती है वो ओमेगा एन का स्क्वायर ही होती है, ठीक है, तो इसको आप देखो यहां पर क्या इक्वेशन लिखी है, एक्स डबल डॉट आ गया, यहां पर x है तो इसके बगल में जो चीज लिखी होगी असल में वो क्या होगी, वो ओमेगा n का स्क्वायर ही होगी, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको लिखा मिल भी सकता है ये x डबल डॉट प्लस ओमेगा n का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से देखिए अगर मैं इसको ओमेगा n के स्क्वायर के बराबर पुट करूं तो ओमेगा n का स्क्वायर की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये k बाई एम दिखाई दे रहा है, या ओमेगा n नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई, के बाई एम के बराबर, यही है वो फॉर्मूला,
कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है अंडर रूट में के बाई एम, जहां पे के क्या है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम इज द मास, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर? अब देखिए, अगर आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। आपको और पता है ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, ओमेगा एन का यूनिट क्या होगा? ओमेगा एन जब भी निकाला जाएगा वो रेडियन पर सेकंड में होगा, और जब भी ये वाला एफ निकाला जाएगा, ये वाली एफ की यूनिट होगी साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड, और ओमेगा एन का जो भी यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड में। ये होता है ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और आपको पता है एफ इज इक्वल टू 1/T, 1 अपॉन टाइम पीरियड, आवर्त काल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। तो अगर आपने ये ओमेगा एन निकाल लिया तो आप एफ निकाल सकते हो, एफ पता चल गया तो आप टी निकाल सकते हो, या आपको अगर टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड पता है तो एफ निकाल सकते हो, और एफ पता चल गया तो आप ओमेगा एन निकाल सकते हो, क्लियर? तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा एन का, अंडर रूट जी बाई डेल्टा। ये कहां से आ गया? अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, समझ में नहीं आया। एक बार आप बोल रहे हो अंडर रूट के बाई एम, एक बार आप बोल रहे हो कि अंडर रूट जी बाई डेल्टा, ये कहां से आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। यहां से समझ में आएगा आपको, इसको मैं पूरा रफ कर दूं। यहां से देखिए इसको, अब आपके समझ में आएगा। इसको भी मैं रफ कर देता हूं, जरा इसको देखो यार। अभी अभी हमने ओमेगा एन का फॉर्मूला फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए कितना पढ़ा, अंडर रूट के बाई एम, और यहां से आपको पता है कि जब इसको हमने यहां पे बैलेंस कंडीशन में देखा था तो ऊपर k इंटू डेल्टा लग रहा था और नीचे कितना लग रहा था, m इंटू जी, और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया था। इसका मतलब k इंटू डेल्टा इज इक्वल टू m इंटू जी पर बोल सकते हैं। तो m को जरा नीचे लाइए तो k बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बाई एम की वैल्यू क्या g बाई डेल्टा नहीं होगी? तो क्या k बाई एम की जगह हम g बाई डेल्टा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, रखिए यहां पे अंडर रूट, जरा k बाई एम की जगह g बाई डेल्टा रखिए। तो यही फॉर्मूला आ गया जो अभी अभी हमने पढ़ा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई डेल्टा। तो यहां पे देखिए जो दूसरा फॉर्मूला है कहां से आया, आपको पता चल गया कि ओमेगा एन इज इक्वल टू, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट में जी बाई। क्या ये बात समझ में आई कि ये फॉर्मूला कहां से आया, अंडर रूट में जी बाई डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन अंडर मास एम, जहां पे डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है किसके अंदर है, अंडर मास m। जब हमने उस पर मास m लटकाया तो मास m लटकाने की वजह से वो कितना डिफ्लेक्ट कर गया, अंडर मास m। इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, हम एक इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इफ वन स्प्रिंग ऑफ सेम स्टिफनेस इज एडेड इन सीरीज न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी। अच्छा जरा अब यहां पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में दो चीजें आएंगी, एक तो सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन, और जब तक आपको ये कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, ये स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल देखने के बाद, ठीक है? तो आप इनको हम जल्दी से देख लेते हैं, वैसे भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जब दो स्प्रिंग को सीरीज में, अभी इस क्वेश्चन को आके सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले हम इसको समझ लें कि स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल का क्या मतलब है, कि जब हम दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं, जब हम दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना आता है। मतलब दो स्प्रिंग को आपने जोड़ा सीरीज में,
अब हम नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, मतलब उन दोनों स्प्रिंग को हटाकर अगर हम सिंगल स्प्रिंग लगा दें तो भी उसका इफेक्ट उतना ही आना चाहिए जितना उन दोनों स्प्रिंग का मिलाकर आ रहा था। तो यहां पे दो कनेक्शन आएंगे, पैरेलल या सीरीज। तो सीरीज कैसे पहचानेंगे? सीरीज इस तरीके से पहचानेंगे कि जहां पर एक स्प्रिंग का एंड खत्म हो रहा है वहीं से दूसरी स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब देखिए, एक स्प्रिंग को हमने यहां पे K1 बोल दिया, इस स्प्रिंग का एक एंड जहां पर खत्म हुआ वहीं से दूसरी स्प्रिंग का K2 का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो दिस पॉइंट इज अ एंडिंग ऑफ K1, और यही पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ K2, और यहां पे लेट्स से मास M लगा। तो बात समझ में आई? तो सीरीज इस तरीके से होगा, और पैरेलल कैसे होगा? देखिए, पैरेलल इस तरीके से होगा कि दो एंड के बीच में यह है पैरेलल कनेक्शन, मतलब दो एंड दोनों स्प्रिंग का स्टार्टिंग दोनों स्प्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो सेम जगह के बीच में जुड़ा होगा। देखिए, एक स्प्रिंग का स्टार्टिंग एंड ये है, दूसरी स्प्रिंग का एंडिंग ये है, तो दूसरी वाली स्प्रिंग का भी स्टार्टिंग यही होगा और एंडिंग यही होगा, और यहां पे कोई मास M लगा है। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है, ये पैरेलल हो गया और ये सीरीज हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पैरेलल कनेक्शन एक और तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। कि मास M को दो स्प्रिंग के बीच अगर हम लगा दें तो वो पैरेलल कनेक्शन होगा। ये वाला देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सीरीज समझ में आ गया क्या? सीरीज समझ में आ गया कि जहां पे एक स्प्रिंग का एंडिंग पॉइंट है वहीं पे दूसरी स्प्रिंग का सीरीज है, जहां पे एक स्प्रिंग का एंडिंग पॉइंट है वहीं पे दूसरी स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। और पैरेलल में क्या होगा? तो देखिए, इसको आप ऐसा बना दो चाहे ऐसे बना दो, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। तो ये K1 हो गया और ये K2 हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। तो दो एंड के बीच में मास को जोड़ा गया है, या ये इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये इस तरीके से भी हो सकता है, आपको दोनों तरीके से दिखाई दे सकता है। ये K1 हो गया, ये K2, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। ये कनेक्शन भी किसके अंदर आएगा? ये भी पैरेलल के अंदर ही आएगा, और ये भी किसके अंदर आएगा? ये भी पैरेलल के अंदर ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए देखें सीरीज में क्या होता है। तो सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीरीज में इन दिस केस द फोर्स विल बी सेम एंड द नेट डिफ्लेक्शन विल बी द सम ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब इस पूरे का जो डिफ्लेक्शन हमें निकालना होगा वो पहले वाले में कितना डिफ्लेक्शन हुआ Δ1, और दूसरे वाले में कितना डिफ्लेक्शन हुआ Δ2, दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको नेट डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और जो फोर्स होगा वो दोनों में सेम होगा, दोनों स्प्रिंग में सेम फोर्स लग रहा होगा क्योंकि सीरीज में है। तो इतनी चीज को पढ़ने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली ये बता रहा हूं कि जब भी दो स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन होगा तो 1/K इक्विवेलेंट। ये के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? के इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? के इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर अगर मैं कोई एक स्प्रिंग लगाऊं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है तो उसका इफेक्ट भी उतना ही आना चाहिए जितना उन दोनों स्प्रिंग का मिलाकर आ रहा था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सीरीज कनेक्शन के लिए है, यह सीरीज में होता है 1/K इक्विवेलेंट, जो हमें निकालना है यही हमें निकालना है, 1/K1 + 1/K2 दो स्प्रिंग के लिए। मान लीजिए कई सारी स्प्रिंग लगी होती तब फॉर्मूला कैसे लगाते? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए कई सारी लगी है जिसमें पहले का है K1 प्लस दूसरे का है K2 प्लस 1/ तीसरे का है K3 प्लस .. ऐसे ही कई सारी स्प्रिंग जुड़ी है। तो ये हम पढ़ेंगे सीरीज के अंदर, सीरीज में ये करना पड़ेगा हमें कि 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 ... ऐसे जितनी स्प्रिंग लगी है इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट। जबकि पैरेलल में क्या करना होगा? पैरेलल में कुछ नहीं करना है, के इक्विवेलेंट निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत ही सिंपल है।
जैसे मान लीजिए यहां पर दो स्प्रिंग है जो आपको पैरेलल में दिखाई दे रही है, ये सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में है, तो इनका के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? इनका के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है कि इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली जोड़ दीजिए, यह तरीका। तो अगर मान लीजिए तीन स्प्रिंग पैरेलल में है, तो तीन स्प्रिंग में पैरेलल का होने का मतलब के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। कई सारी स्प्रिंग है मान लीजिए, तो कई सारी स्प्रिंग के लिए हो जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर प्लस डॉट डॉट, ऐसे जितने स्प्रिंग है। तो ये पैरेलल के लिए हो गया, और वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन के थ्री, ये किसके लिए होगा? ये हो जाएगा सीरीज। अब हम चलते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, मैंने आपको समझा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। डीएलएम्बर्स प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इफ वन स्प्रिंग ऑफ सेम स्टिफनेस, मतलब पहले से एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसमें हमने क्या किया, एक और स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस सेम है पहले वाले के, इज एडेड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ा गया है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले कह रहा है ये है एक स्प्रिंग है जिसपे मास m लगा रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? ओमेगा इज n इज इक्वल टू ओमेगा n, n का मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट के बाई एम, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब क्या कह रहा है सेकंड केस में, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में कह रहा है कि इसी में के स्प्रिंग कांस्टेंट का, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट का एक और स्प्रिंग हमने जोड़ दिया, तो कैसे हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से, एक के तो पहले से जुड़ा है और सेम स्टिफनेस की एक और स्प्रिंग हमने जोड़ दी, मतलब इस तरीके से हो जाएगा ये, और यहां पे मास एम लगा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि ओमेगा एन कितना आएगा, मान लीजिए यहां का जो ओमेगा एन है उसको हमने ओमेगा एन टू बोल दिया, तो अब ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में हमें पहले के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो के इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन, तो के वन की वैल्यू के है, प्लस वन अपॉन के टू, तो के टू भी कितना है, के है, तो वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के कितना हो जाएगा, टू अपॉन के, तो वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टू अपॉन के, हमें तो के इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिए यहां से आ गया वन अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टू अपॉन k, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्विवेलेंट हो जाएगा k बाई टू, ये हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, अब यहां पर k नहीं आएगा, k इक्विवेलेंट आएगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, कितना आ जाएगा अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई एम, क्योंकि मास तो वही है लेकिन अब सीरीज में होने की वजह से दो स्प्रिंग हो गई, तो अब हमें के इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा यहां पर, तो ओमेगा एन टू, यहां पे देखिए सॉल्यूशन, यहां पे आ जाइए इस जगह पे, सॉल्यूशन यहां पे आ जाइए, तो ओमेगा एन टू, तो ओमेगा ऑफ एन टू कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ एन टू इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, के बाई टू, तो ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाई टू, और नीचे एम रहेगा ही रहेगा, तो देखिए अंडर रूट के बाई एम की जगह, अंडर रूट के बाई एम की जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम ओमेगा एन रख सकते हैं, तो ओमेगा ऑफ एन टू इज इक्वल टू, इसको हमने वन बाई रूट टू लिखा और इसको हम के बाई एम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अंडर रूट के बाई एम कितना हो गया, ओमेगा एन हो गया, तो जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो पहले की वन बाई रूट टू आ जाएगी, इसको अंडर रूट के बाई एम की जगह में रखना है रूट ओमेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, अंडर रूट के बाई एम की जगह हमने रख दिया ओमेगा एन डिवाइडेड बाई रूट टू, तो अब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आई वो क्या हो गई, पहले की वन बाई रूट टू हो गई, मतलब आंसर नंबर ए ओमेगा एन बाई रूट टू, ये हमने पढ़ी लिया, सीरीज और पैरेलल मैंने आपको समझा दिया। अब एक और क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, ये थीटा के फॉर्म में है, तो थीटा के फॉर्म में मतलब अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेकिन ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें बोल क्या रहा है कि इस बार हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये केस है, मैं आपको केस समझा दूं,
ये समझिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा, ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है L। इस पे हमने कोई मास M लटका दिया, इस पर यहां पर हमने कोई मास M लटका दिया, ये हो गया मास M। ये पोजीशन। अब देखिएगा, अभी तक अगर मेरे पास ये स्प्रिंग होती तो स्प्रिंग को तो हम थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ देते तो वो वाइब्रेट करती रहती इस तरीके से, लेकिन ये धागा है इसको तो हम खींच सकते नहीं, तो इसको हमने क्या किया, इसकी इनिशियल पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसकी इनिशियल पोजीशन से इसको हमने यहां पर डिस्प्लेस कर दिया इस वाली पोजीशन। अभी भी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ तो L ही है, स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, ये तो उतनी ही रहेगी, मास M यहां पर आ गया। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी मैं नई पोजीशन को थोड़ा सही से बना देता हूं। ये नई पोजीशन, और यहां से हमने इसको, इस L को हटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हो क्या है, बनाने का कोई, तो ये एंगल हमने कितना डिस्प्लेस किया, ये इसको डिस्प्लेस किया हमने थीटा। ये वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब पहला लेक्चर हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी। अब देखिए इस पर, इसको अगर मैंने थीटा से डिस्प्लेस कर दिया और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस वाली लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं बाहर की तरफ, तो नीचे वाली लाइन के अलोंग क्या लग रहा होगा, यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा m इंटू जी इसका मास, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्लियर। इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट लीजिए, जरा फोर्स का कंपोनेंट करिए, तो mg का थीटा के अलोंग अगर हम कंपोनेंट करेंगे, इस लाइन के अलोंग क्या आ जाएगा, इस लाइन के अलोंग एक फोर्स आ जाएगा mg cos थीटा, जो कि यहां पर बना हुआ है। देखिए ये बन गया mg cos थीटा, और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, mg sin थीटा, क्लियर। ये हम कर क्यों रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा, ये हम कर क्यों रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। अब बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए बात को, मैं आपको यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी हमने जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ा, अभी हमने जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ा, दैट द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यही था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो वो तो बॉडी पर लीनियर मोशन के लिए था, कि जब बॉडी चल रही हो या चलने की प्रवृत्ति हो, उसकी चलने की टेंडेंसी हो, तब के लिए था। लेकिन अगर बॉडी में घूमने की टेंडेंसी है, कि बॉडी वाइब्रेट करना चाहती है, या सर्कुलर मोशन टाइप का, ऑक्सीलेशन मोशन टाइप का मोशन है, तब हम वहां पर घूमने के लिए टॉर्क का यूज करेंगे, तब वहां पे चलाने वाली इक्वेशन थोड़ी आएगी, वहां पे घुमाने वाली इक्वेशन आएगी, और घुमाने वाली इक्वेशन के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, पता है आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जैसे हमने चलाने के लिए डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वैसे ही हम टॉर्क, जहां पे वो चीज घूमना चाह रही होगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे घूमने के लिए, द सम ऑफ, वहां पे फोर्स आ रहा था, अब यहां पे टॉर्क आ जाएगा, द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क, द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क प्लस द सम ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क, इज इक्वल टू जीरो,
क्या बोला हमने, द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे वहां पे हो रहा था द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, वैसे यहां पे आएगा द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इनर्शिया टॉर्क कैसे होगा, जैसे वहां पर हम बोल रहे थे इनर्शिया टॉर्क एम इंटू एक्स डबल डॉट होता है, वैसे यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, आई अल्फा होगा ना, यहां पर हो जाएगा आई अल्फा। इनर्शिया टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा होता है, जैसे एम ए होता है फोर्स में वैसे आई अल्फा होता है। अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम एक्सेलरेशन को ध्यान से समझिए, x अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है तो x डॉट वेलोसिटी हो जाती है और x डबल डॉट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। वैसे ही घुमाने के केस में थीटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो थीटा डॉट मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और थीटा डॉट मेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आई अल्फा, तो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसकी जगह मैं थीटा डॉट रख दूंगा, प्लस ये तो इनर्शिया टॉर्क आ गया। अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, वो टॉर्क जो वापस उसको उसकी इनिशियल वाली पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा, वही तो टॉर्क होगा। तो देखिए यहां पे कौन सा फोर्स है जो वापस उसको उसकी पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, हमको पता है ये लेंथ तो एल है और ये हिंज पॉइंट है। अच्छा आप बताओ, पहले ये वाली पोजीशन थी, इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया तो इसके इस पर फोर्स लगा mg, mg के दो कंपोनेंट किए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब आप सोच के बताओ mg sin थीटा और mg cos थीटा में वो कौन सा फोर्स है जो वापस इस मास m को उसकी इनिशियल पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है सर वो है mg sin थीटा। तो ये तो फोर्स है, इसको हमें टॉर्क में बदलना पड़ेगा, तो फोर्स इंटू किस पॉइंट के अबाउट ये वाइब्रेट करना चाह रहा है, इस वाले पॉइंट O के अबाउट, तो उसके अबाउट डिस्टेंस ले लीजिए, इन दोनों के बीच की बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फोर्स ऐसे लग रहा है ये फोर्स की लाइन हो गई, और मूवमेंट लेना है टॉर्क लेना है इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो डिस्टेंस कितनी है L, तो यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg sin थीटा इंटू L, तो क्या हो जाएगा द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क एंड रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बताइए अगर आ गई हो तो आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो देखिए आई थीटा डॉट प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, आई नॉट तो हो गया इस पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मास है एम है, ये बॉल का मास एम हो गया, ये डिस्टेंस एल हो गई, और इस वाले पॉइंट पॉइंट के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा सर किसी पॉइंट मास एम का किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एम एल स्क्वायर। तो देखिए आई नॉट की जगह हो गया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट एम जी। अब देखिए फॉर द स्मॉल एंगल, फॉर द स्मॉल एंगल मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल हो, बहुत छोटे अमाउंट से हमने क्या किया है यहां पर डिस्प्लेस किया है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि हम साइन थीटा को लगभग थीटा के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए अगर फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फॉर स्मॉल एंगल की बात करें, तो ये साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, थीटा में, तो साइन थीटा की जगह देखिए क्या आ गया यहां पर, थीटा आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी इंटू एल इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ क्या करिए एम एल स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो यहां पर मैंने एम एल स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पर हमने एम एल स्क्वायर से डिवाइड किया, और जीरो बटे समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर उड़ गया, एम से एम कैंसिल आउट, ए एल से ए एल कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहां पर थीटा डॉट प्लस, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा जी बाई एल, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए वापस से इक्वेशन देखिए क्या आ गई, इक्वेशन हमने निकाला दैट थीटा डबल डॉट, यहां पे डबल डॉट है, मिसप्रिंट है थोड़ा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि एक्स डबल डॉट प्लस समथिंग और एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर लिखा हो तो यहां पे इस समथिंग की जगह पे क्या आता है, ओमेगा एन स्क्वायर ही होता है।
अगर x डबल डॉट प्लस x इज इक्वल टू जीरो और x के बगल जो कुछ भी लिखा होता है वो ओमेगा n स्क्वायर के बराबर ही होता है, ऐसा थीटा में भी फॉलो होगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या g बाई l के बराबर ही होगा। और अगर ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई l है तो ओमेगा n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, g बाई l। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टिप पे बिल्कुल याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, इस केस के लिए कि अगर आपके पास, इसको मैं क्लियर करता हूं, कि अगर हमारे पास कोई इनिशियली कोई स्ट्रिंग है जिसपे कोई मास m लटका रखा है, ठीक, और उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें उसकी पोजीशन से, लेट से थीटा एंगल से हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होगी, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो इसके जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी होगी वो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अंडर रूट जी बाई एल, जहां पे जी इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या ये बात समझ में आई, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है टिप पर, ठीक है। इसको हम एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसी को आप पढ़िए, इस वाले मेथड को, इस क्वेश्चन को ज्यादा मेथड से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो ये चीज हम सॉल्व, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं इतनी कोई जरूरत नहीं है, कोई एक ही मेथड लगाइए इस पे। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है, फिर ये क्वेश्चन आएगा जिसको हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम अपना सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम इतना ही पढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन से, ये जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।